Sixty-one is basically based on magnetic dipole. A magnetic needle freely suspended in uniform magnetic field. Given information is work done. Work done in rotating a magnetic needle through the direction of magnetic field at an angle sixty degree. So, work done is given by with the direction of field theta is equal to 0 degree up to 60 degree. On solving, we get mb by 2, and this given information is root 3 joule, equation number 1. Now, in this situation, अब अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ से रिलीज़ कर दें तो इस पर सेल्फ मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा क्लॉक सेंस में और इस वजह से मैग्नेटिक नीडल वापस फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगी यदि हमें इस मैग्नेटिक नीडल को 60 डिग्री एंगुलर पोजीशन पर ही मेंटेन रखना है तो इस मैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉक सेंस में हमें मैकेनिकल टॉर्क की एप्लीकेशन देनी होगी तो लॉजिक ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मैकेनिकल टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्लॉकवाइज मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल होना चाहिए इस सिचुएशन में मैग्नेटिक नीडल पर नेट टॉर्क जीरो रहेगा और ये 60 डिग्री एंगुलर पोजीशन, 60 डिग्री एंगुलर पोजीशन में एक्ब्रम को मेंटेन करेगी अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्लॉक वाइज टॉर्क को ही कैलकुलेट किया जा सकता है विच इज एम बी साइन सिक्सटी डिग्री ऑन सॉल्विंग साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू फाइनली इक्वेशन वन की इंफॉर्मेशन को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो एम बी बाई टू को आप रूट थ्री से रिप्लेस कर सकते हैं सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री जूल और न्यूटन इंटू मीटर इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दिया है प्रोटॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फंडामेंटल है क्यू वी आर होल स्क्वायर अपॉन टू एम और प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की गई है वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर ये कहते हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल सेम रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर सेम फील्ड में अगर ट्रेवल करे तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें फाइंड करनी है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आर और बी सेम है तो जब इस फंडामेंटल के थ्रू हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए एनर्जी का रेशो लगाएंगे तो ये रेशो डिसाइड होगा क्यू स्क्वायर बाई एम से अब मैं इस रेशो को रेस्पेक्टिवली ए, एल्फा और प्रोटॉन के लिए लिखता हूँ का चार्ज हम जानते हैं टू ई स्क्वायर होगा अपॉन अल्फा पार्टिकल का मास फोर एम पी नीचे प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं ई स्क्वायर और मास होगा एम पी एल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमें फाइनली फाइंड करनी है और प्रोटॉन की एनर्जी हमें दी गई है काइनेटिक एनर्जी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर इस रेशो को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वन इज टू वन सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल इज वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज द राइट आंसर